शर्मिंदगी है। इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है और हमारा हिसाब मांगते रहते हो किसी कार्यक्रम में, अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। हमारे नौजवानों ने इन सारे कदमों का आगे आकर के अवसर लिया, उठाया है उसका फायदा। आदरणीय सभापति जी, रक्षा के क्षेत्र में यह देश आत्मनिर्भर बने ये देश के लिए बहुत आवश्यक है। मुझे खुशी है कि रक्षा के क्षेत्र आत्मनिर्भरता का मिशन लेके हम चले। आज 350 से ज्यादा निजी कंपनियां रक्षा के क्षेत्र में आई है और करीब करीब 1,00,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट रक्षा के क्षेत्र में मेरा देश कर रहा है और अभूतपूर्व रोजगार इस क्षेत्र में भी पैदा हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, रिटेल से लेकर के टूरिज्म तक हर सेक्टर का विस्तार हुआ है। खादी और ग्रामोद्योग, महात्मा गांधी के साथ जो व्यवस्था जुड़ी हुई है, खादी ग्रामोद्योग को भी डुबो दिया था। आजादी के बाद सर्वाधिक खादी ग्रामोद्योग के रिकॉर्ड तोड़ने का काम हमारे कालखंड में हुआ है। आदरणीय सभापति जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा रिकॉर्ड निवेश, चाहे रेल का काम होता हो, रोड का काम होता हो, पोर्ट का काम होता हो, एयरपोर्ट का काम होता हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं बनती हो, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, उसके लिए जो मटेरियल लगता है उस इंडस्ट्री में रोजगार की संभावनाएं बढ़ी है। हर जगह निर्माण कार्य के अंदर मजदूर से लेकर मैकेनिक तक हर प्रकार के रोजगार की संभावनाएं, इंजीनियर से लेकर के श्रमिक तक हर किसी के लिए रोजगार के नए अवसर बने हैं और उसी के कारण यूथ विरोधी नीति लेकर के चले हुए लोगों को आज यूथ नकार रहा है और यूथ के भलाई के लिए हम जिन नीतियों को लेकर के चल रहे हैं इसको आज देश स्वीकार कर रहा है। आदरणीय सभापति जी, यहां भी ये भी कहा गया आदरणीय सभापति जी, यहां ये भी कहा गया कि सरकार की योजनाओं को उनके नामों को लेकर के आपत्ति उठाए। कुछ लोगों को ये भी परेशानी है कि नामों में कुछ संस्कृत टच है, बताइए इसकी भी परेशानी। आदरणीय सभापति जी, मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, मैं कोई वेरीफाई तो नहीं किया है, और रिपोर्ट कह रही थी 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे हैं। आदरणीय सभापति जी, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे,
लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है, और हमारा हिसाब मांगते रहते हो, आदरणीय सभा। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह खाने में कूदे और फुल उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।